जय हिंद दोस्तों, UDC RA में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 12,134, और UDC RA का रैंक क्या चल रहा है, 91। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमें भी ऐसी टीम चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, उससे पहले आप ये देख लीजिए ग्रैंड लीग में हमारा क्या रैंक चल रहा है, कितना बंदा है, 24,44,000 से ऊपर बंदा है। और UDC RA का रैंक कितना चल रहा है, हमारा रैंक कोई 1-2 लाख नहीं, हमारा रैंक देखिए 19,063 रैंक चल रहा है। तो आप देख लीजिए, आपको भी ऐसा रैंक चाहिए तो करना क्या है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन, सबसे पहले तो ये सब्सक्राइब वाला बटन आपको दबाना है, जिससे कि आपको भी ऐसी टीम्स मिल सके और आप ये वीडियो देख सके। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन शो हो, तो उसके लिए आपको ये बेल आइकन भी साथ में टिक करना होगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने प्राइम एनालिसिस की, आपको वो नोटिफिकेशन में शो हो जाएंगे। यानी कि मैं कोई 6 टीमें नहीं देता, मैं सिर्फ 2 टीमें देता हूं और पूरे माइंड के साथ टीमें देता हूं। और ये देखिए हमारा रैंक और आगे चला गया, 17,840 रैंक। तो आप देख लीजिए, अगर UDC RA की टीम्स फॉलो करेंगे तो आपका भी ये रैंक ही आएगा, राइट गाइज। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्राइम एनालिसिस फॉलो करने हैं, लेकिन उससे पहले एक तो हमें ड्रीम इलेवन पे टीम लगानी होती है, दूसरी हम कहाँ पे टीम लगाते हैं, दूसरी हम मैच ऑन पे टीम लगाते हैं गाइस। उसका हमें क्या पता होता है कि मैच ऑन पे कौन सी टीम लगानी है। तो लोडिंग करते हैं, तो ये देखिए मैच ऑन पे कितने वाली ग्रैंड लीग थी, ये ग्रैंड लीग की 1738 बंदों की, ये फुल नहीं हुई, 1777 वाली ग्रैंड लीग की। तो इसमें मैंने 4 टीमें लगाई अपनी, और विनर्स कितने थे, 777। और UDC RA का रैंक कितना चल रहा है इसमें, 25 रैंक चल रहा है। तो आप खुद देखिए, मैच ऑन पे तो ग्रैंड लीग जितना बहुत आसान है दोस्तों, इस पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसमें आप जो कहते हैं ना फर्स्ट प्राइज़ कितना है, 10,000, तो आप 10,000 ईजिली यहाँ पे विन कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे UDC RA टीम ना चेंज करते हो, दोस्तों आज के पहले मैं टॉपिक आपको बता दूँ आज का क्या है, कहीं वो ना मिस हो जाए। आज का टॉपिक है हमारा CSK और SRH की प्राइम टीम का टॉपिक है हमारा, जो हम डिटेल में देखेंगे। इसकी भी प्राइम टीम आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको ये प्राइम टीम मिलती कहाँ पर है। ये आपको प्राइम टीम मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब आप कहेंगे मेरी टीम देखनी है आपको, तो टीम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं सेम टीम लगाता हूँ जो मैं आपको देता हूँ। कहाँ पर है मेरी टीम, ये देखिए 2 टीमें मैंने आपको दी थी, ये वाली देखते हैं। अभी आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यही टीम लगाई है, UDC RA अपनी टीम नहीं चेंज करते। तो कहाँ पे है ड्रीम इलेवन, तो ओपन करेंगे एक बार, ये का 67 रैंक हो गया गाइस हमारा, बहुत अच्छा रैंक चला। मुझे तो आज लग रहा है कि कोई बड़ी अमाउंट कहीं मैं ही ना जीत जाऊँ आज। तो एक बार देखते हैं प्राइज़ क्या है, मैंने प्राइज़ इसका चेक नहीं किया। अरे यार, 1 से 50 तक 10,000 है और 1,000 भी है, तो मुझे 10,000 के सपने तो आने लगे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह विनिंग करें, मुझे तो आज ये लग रहा है कि ये ग्रैंड लीग ही कहीं मैं जीत ना जाऊँ। तो किस्मत अलग, वैसे मैं लक के लिए ही खेलता हूँ और अपनी कहते हैं स्टैट्स के बेस पे टीम बनाता हूँ, टीम चले ना चले अलग बात है, लेकिन मैं प्रॉपर एक तरह से ना आज मैंने स्टैट्स के बेसिस पे टीम बनाई। मुझे पता था रहाणे राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ बहुत अच्छा करते हैं राजस्थान में खेलते वक्त, तो मैंने जस्ट वो स्टैट्स फॉलो किया और रहाणे को कप्तान बना दिया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो अभी आपको टीम्स दिखानी है, मेरा 56 रैंक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, रैंक चलने दीजिए। तो ये देखिए, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों टीमें सेम है। तो डायरेक्टली अब चलते हैं आज की प्रेडिक्शन की तरफ। तो किस किस का मैच है आज, नोट्स ओपन करेंगे, CSK वर्सेस हैदराबाद गाइस, राइट। अभी आप कहेंगे आपको इसके प्राइम एनालिसिस चाहिए गाइस, तो चलते हैं इस प्राइम एनालिसिस कहाँ पे मिलते हैं, हमें प्राइम एनालिसिस मिलते हैं क्रिकबज पे। अभी आप कहेंगे यहाँ पर कैसे मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैच क्या है, पिच के अकॉर्डिंग हम टीम बनाते हैं। चेन्नई का मैच है, चेन्नई के मैदान में मैच है, तो चेन्नई का ग्राउंड देखते हैं कैसा है। चेन्नई पे काफ़ी टाइम से मैच हुआ ही नहीं है गाइस, ये देखिए। तो सबसे पहले तो स्लो ग्राउंड है, यानी कि सीधा हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें बॉलर्स लेने हैं दोस्तों, और बॉलर कौन लेने हैं ये भी हमें दिखेगा। कैसे दिखेगा, हमें सुनील नारायण की तरह स्पिनर्स लेने हैं गाइस, ये हमें दिख रहा है। हमें पीयूष चावला की तरह स्पिनर्स लेने हैं गाइस, हमें ये भी दिख रहा है। हमें कुलदीप यादव की तरह इकोनॉमिकल बॉलर्स लेने हैं, ये हमें दिख रहा है। और हमें टॉप ऑर्डर नहीं लेना है, उसका कोलैप्स हो जाएगा।
हमें ये दिख रहा है दीपक चाहर यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हरभजन इस ग्राउंड पे पक्का खेलते हैं, ताहिर और जडेजा ये हमें दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, धोनी की टीम डोमिनेट करेगी, हमें ये भी दिख रहा है दोस्तों। तो एक ही मैच बहुत है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक तो हरभजन डायरेक्टली हमारी प्लेइंग 11 में आएंगे, इमरान ताहिर को हमें लेना है, चाहर यहाँ पे स्टार्टिंग में फ़ायदा उठाते हैं, उसका एक रीज़न है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, चाहर विकेट लेके नहीं गए थे स्विंग की वजह से, एक तो, दूसरा मैं भूल गया, मैं आपको बताता हूँ, दूसरा स्पिन विकेट थी, तो बैट्समैन ने ये सोचा कि पेसर के अगेंस्ट मैं स्कोर करता हूँ, जिसके चक्कर में ये विकेट्स ले गए। आपने एक बात गौर की, 4 के 4 ओवर इन्होंने ओपनिंग में ही कर दिए थे, तो आप खुद सोचिए, दीपक चाहर के अगेंस्ट रिस्क लेना था, बिकॉज स्पिनर को यहाँ पे मारना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो आज के हमारे प्राइम बॉलर्स कौन कौन से होंगे, ताहिर, हरभजन, रविंद्र जडेजा, ये तीन तो हमारे पक्के होंगे। चाहर को हम देखें, आप कहेंगे इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी चाहर को हम देखेंगे, तो गाइस स्पिन विकेट है, हम सभी प्लेयर्स नहीं ले सकते। यूडीसी आर ए की प्रेडिक्शन ये आपको कह रही है। दूसरी टीम में राशिद, शहबाज नदीम, राइट, एक तो हो, अभी आप कहेंगे खलील को भी लेना है, गाइस बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर चलता है, कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, भुवनेश्वर कुमार, राइट, जिस ग्राउंड पे स्टार्टिंग में स्विंग मिलता है ना, उसमें भुवनेश्वर और एक यहाँ पे दीपक चाहर, इन दोनों का रोल बहुत अच्छा रहेगा। और ऑलराउंडर में हमें किसे लेना है, ऑलराउंडर में हमें लेना है डेन ब्रावो को, विजय शंकर को हम जस्ट एज ए जो कहते हैं ना अच्छी स्पिन खेलते हैं उसकी वजह से हम लेंगे। तो साथ साथ में अभी टीम बनाते हैं, एक बार आपको दिखा दें टीम का ओवरव्यू क्या होगा, जो कहते हैं ना कि एनालिसिस, डीप एनालिसिस, वो अभी आपको मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस, बिकॉज जो प्राइम टीम है ना वो आपको वहीं पे मिलेगी। और बेस्ट का मैं आपको बता दूं, ये इनका लास्ट मैच है, इसके बाद ये चले जाएंगे, बिकॉज इन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो बेस्ट रिस्की ऑप्शन भी हो सकते हैं आपके लिए, और अच्छा टॉपिक भी आपके हो सकता है, तो अभी के लिए हम नहीं लेंगे। अभी आप कहेंगे यार इतने बड़े प्लेयर को हम क्यों नहीं ले रहे, गाइज़ स्पिन का माहौल है यहाँ पे, और बेस्ट स्पिन के अगेंस्ट कुछ खास अच्छा नहीं खेलते, ये भी माइंड में रखना है आपको, राइट? हमें पिच के अकॉर्डिंग बैट्समैन लेने होते हैं, आपको शुरू से पता है मैं पिच के अकॉर्डिंग बैट्समैन लेता हूँ, और जिसके लिए पिच मैटर नहीं करती उनका क्या नाम है, उनका नाम है डेविड वार्नर, राइट? लेकिन ये जो ग्राउंड है हमें बैट्समैन नहीं देखने, हमें देखने हैं बॉलर्स, राइट? राशिद, ताहिर, हरभजन, तीन तो हमारे हो गए, और हमने किसे कहा था हम लेंगे, शहबाज़ नदीम कहाँ पे हैं गाइस, उसे हमें लेना, राइट? तो हम कितने प्लेयर ले चुके हैं अभी बॉलर्स में, दोनों टीमों के दो दो बॉलर हम ले चुके हैं, और एक एक बॉलर और चाहिए, हमें दीपक चाहर चाहिए और हमें भुवनेश्वर कुमार चाहिए, तो दोनों हम नहीं ले पाएंगे। तो एज ए हम कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, तो हमें एक चूज़ करना है दोनों में से, किन दोनों में से, डेन ब्रावो और दीपक चाहर, तो जो अंत में क्रेडिट में फिट आया ना हम उसे लेंगे, एक तो इनकी चॉइस में और एक धोनी और बेयरस्टो की चॉइस में, दोनों में से जो हमारे क्रेडिट में फिट आए ना हम उन्हें लेंगे, राइट? अभी हमें और क्या करना है, रविंद्र जडेजा तो हम भूल ही गए गाइस, एक बड़े प्लेयर को हम भूल गए थे। तो एक टीम के हमारे पास 3 प्लेयर हो चुके हैं और दूसरी टीम के हमारे पास 2, अभी स्पिन विकेट है, तो इस विकेट पे और कौन सा प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करके जा सकता है, तो मुझे लगता है शायद नबी भी खेल जाए अभी, लेकिन जगह ही नहीं बन रही, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस मैच के बाद तो नबी पक्का खेलेंगे, बिकॉज़ क्यों, बिकॉज़ बेस्ट वापस चले जाएंगे, राइट? तो ध्यान रखिए, अगर कल बेस्ट को हो सकता है, वैसे तो पक्का खिलाएंगे, बिकॉज़ कोई विकल्प ही नहीं है, अगर एक चीज़ हो सकती है, अगर विलियमसन कल बाहर बैठ जाएं, राइट, अगर विलियमसन कल बाहर बैठ जाएं, तो नबी को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कप्तान ऐसे माहौल में पीछे नहीं हटेगा, राइट? तो खैर जो होगा वो देखा जाएगा। अभी स्पिन कौन कौन अच्छा खेलता है, फाफ डु प्लेसी बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं, और कौन कौन स्पिन अच्छा खेलता है, इंडियन प्लेयर विजय शंकर, विजय शंकर बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को, राइट? तो अभी टीम भी तो देख लें, टीम कैसी बन रही है, राइट?
तीनों के तीनों स्पिनर, एक मीडियम सा थोड़ा सा पार्ट टाइमर और दो स्पिनर, राइट? तो क्या कमी लग रही है अभी टीम में गाइस? कोई डेथ बॉलर ही नहीं है, ये भी देखना है हमें। तो फिलहाल के लिए हम चार पे ब्रेक लगाएंगे और खलील या फिर भुवनेश्वर में से एक लेंगे। अभी के लिए हम लेते हैं भुवनेश्वर, अगर क्रेडिट में फिट ना आया तो हम साथ वाले बॉलर को ले लेंगे। और डेन ब्रावो हम क्यों नहीं ले पा रहे? ओहो, हमारे पास पांच बॉलर हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, अभी देखते हैं, भुवनेश्वर को हम निकाल देंगे फिर। और यहाँ पे हमें डेन ब्रावो इस टीम में ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ ये स्लो रन बहुत अच्छी डालते हैं, राइट? तो अभी हमारे पास कितने टिप प्लेयर बचे हैं? हमारे पास बॉलर्स की तो भरमार है, अगर एक बॉलर कहीं से फिट हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती। तो हम अभी डेन ब्रावो को नहीं ले सकते, हम यहाँ पे अभी भुवनेश्वर को ही लेंगे गाइस। दो बॉलर हो कोई बात नहीं, बिकॉज इनके तीनों 12 ओवर हमने कवर कर लिए हैं एक टीम के, और दूसरी टीम के भी हमें 12 ओवर कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज ये बॉलिंग ट्रैक है। अभी हमें वो प्लेयर्स लेने हैं बैटिंग में जो हमें एवरेज क्रेडिट्स यहाँ पे देखे जाएँ, राइट? तो एवरेज, बिकॉज फ्रेंड जो हेड टू हेड या ग्रैंड लीग की टीम बनती है ना, वो इसी तरह से बनती है कि जैसा ग्राउंड है उसके बड़े बड़े प्लेयर्स ले लिए जाएँ, और बाकी वो वाले प्लेयर ले लिए जाएँ जो टाइम पास हमारे 10 12 20 पॉइंट हमें दे जाएंगे। तो उन प्लेयर्स में से सबसे पहला नाम किसका आता है? अंबाती रायडू, राइट? बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं गाइज ये। और कितने प्लेयर, हमें एक प्लेयर रह गया अभी, और क्रेडिट हमारे पास पूरे पड़े हैं। तो अभी चाहे तो हम यहाँ पे बेयर स्टोक को भी ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए, क्रेडिट बहुत ज़्यादा बच गए हैं हमारे पास। ये देखिए, ये हमारी टीम है। अभी आप कहेंगे कप्तान किसे बनाना है? गाइस आँख बंद करके ना इमरान ताहिर और राशिद खान को आप कप्तान बना सकते हैं, या फिर इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा को भी आप कप्तान बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ना कल की चेन्नई की बॉलिंग ही होगी। तो यहाँ पे फिर पर्पज हमारी ये टीम बन गई, राइट? अभी चलते हैं मैच ऑन की टीम बनाने, उसमें गाइस ग्रैंड लीग जीतना बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम रैंक चेक कर ले, बिकॉज़ अरे क्या बात है यार, 43 तो 10,000 की रेस में मैं आ चुका हूँ गाइस। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, पहले से 50 तक के लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, और मैं उसका कैंडिडेट बनता जा रहा हूँ। और यहाँ पर भी रैंक हमारा बुरा नहीं चल रहा है, 8800 रैंक चल रहा है 24 लाख बंदों में। UDC RA की टीम 8800 पे चल रही है। तो डायरेक्टली अभी चलते हैं मैच ऑन पे, इसका भी एक बार रीलोड कर लेते हैं, क्या हाल चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा रैंक आसपास ही चल रहा है गाइस। तो अभी इसकी टीम बनाते हैं, यहाँ पे जीतना बहुत आसान है दोस्तों, बिकॉज ड्रीम इलेवन पे बंदे 24 लाख है, तो यहाँ पे 1700 बंदे है। और UDC RA की टीम अगर आपके पास है तो कोई बात ही नहीं है, आप तो आसानी से जीत जाएंगे। तो यहाँ पर हम बेयरस्टो को लेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बॉलिंग लेनी है गाइस। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हम भुवनेश्वर को लेंगे, हम हरभजन को लेंगे, हम ताहिर को लेंगे, राशिद को लेंगे, चार बॉलर हो चुके हैं हमारे। तो एक हमें और लेना था बड़ा, शहबाज़ नदीम कहाँ पे है, शहबाज़ नदीम को ले लिया हमने। और यहाँ पर अभी हम बहुत अच्छी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, हम यहाँ पर गाइस हमें ड्रीम इलेवन पे क्या प्रॉब्लम आई कि अगर हम पांच बॉलर ले पाते हैं तो हम ऑलराउंडर तीन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें ब्रावो भी लेना है, हमें रविंद्र जडेजा भी लेना है, और हमें विजय शंकर भी लेना है, हम तीनों ले सके यहाँ पर। ये मैच ऑन का सबसे बड़ा रूल है कि आप पांच बॉलर या पांच बैट्समैन के साथ तीन ऑलराउंडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, और बैट्समैन अभी हमारे दो लेने हैं, तो वो दो, एक तो वार्नर हो जाएंगे और दूसरे डुप्लेसी, सबसे बड़े बड़े प्लेयर हमने ले लिए जो स्पिन का बहुत अच्छा खेलते हैं। और टीम यहाँ पर भी सेम रहेगी, इमरान ताहिर और राशिद खान, टीम यहाँ पर भी आपकी सेम रहेगी। और अभी एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, अभी इसी टीम से आपको 6 टीमें बनानी है। अगर आप नहीं बना सकते तो UDC RA कल आपको इसकी 6 टीमें देंगे, किस लीग के लिए, स्पेशली किस लीग के लिए। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया भाई, स्पेशली ये 39 वाली लीग के लिए, राइट? बिकॉज इनकी ग्रैंड लीग जीतना बहुत आसान है। अभी मैंने एक टीम लगाई है, लेकिन जैसे ही मैं बंद करूँगा मैं 6 की 6 टीमें इसकी लगा दूंगा, बिकॉज केवल और केवल 1700 बंदा है इसमें। ड्रीम इलेवन का 24 लाख इतनी जल्दी भरता है, इसका आप सोच लीजिए, रात रात में ये 1700 बंदा भर जाएगा। तो सबसे पहले ना आप इसमें 6 टीमें लगा के रख लेना, UDC RA आपको इसकी 6 टीमें कल दोपहर तक दे देंगे। तो दोस्तों
मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। UDCRA आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ये आपको चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और जो ये बंदे ना, मैं UDCRA मेरे नाम का फेक चैनल चला रहे हैं ये दो बंदे, इनमें वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपनी खुद की मेहनत कीजिए, मेरा गलत यूज़ मत कीजिए, वरना मुझे आप पे केस करना पड़ेगा। मेरा केवल यही चैनल है, 18,000 के करीब यूज़र हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।